लगता है आनंद जी का नया मिशन अब शुरू हो रहा है, जो हमने सीन देखा है अपने माही और सांची को मिलाने का? ये कोई मिशन नहीं कहूँगी मैं, ये जो कुछ भी बातें पता चली हैं कि राधिका ने झूठ कहा था शिव के बारे में, एक उर्मी देवी हैं उनसे, क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता आया था शिव के लिए और दादी सा चाहती थी कि आनंदी का रिश्ता हो शिव के साथ, तो इसी रीज़न की वजह से उन्होंने कुछ झूठी बातें शिव के बारे में बता दी थी। तो अब वो बात जो है वो सबके सामने आ चुकी है कि जो वो औरत थी वो दादी सा थी जिन्होंने झूठ कहा था, और सांची को सबसे पहले पता चलता है और सांची यहाँ आके सबके सामने ये बात रखती है, और जो मेरी सासू माँ है ईरा वो भी नाराज़ हो जाती है मुझसे और सांची नाराज़ है मुझसे। तो जो सांची का बिहेवियर है मुझसे उसे लेकर माही थोड़ा सा परेशान है, उसे लगता है कि वो कहीं बदतमीजी करती है मेरे साथ या ज़्यादा गुस्सा कर देती है, तो वो उससे उसे बात करने जाता है और वहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और वो मुझे पता चलता है उसकी शक्ल देख के माही की कि शायद उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो मैं उससे, आपने जो सीन देखा मैं उससे वही समझा रही थी कि अब ऐसे लड़ाई मत करो, वो छोटी बहन है तो दोनों भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और यही रीज़न है कि वो बहुत ही मतलब इनसिक्योर फील कर रही है, और जाके उससे दोस्ती कर लो और तभी मैं खुश हो जाऊँगी। तो ना जब बात अगर आनंदी करें तो हमने देख लिया कि वो एक दूसरे को जोड़ने में काफ़ी विश्वास रखती है या सिचुएशन को संभालती है, लेकिन रियल लाइफ में अगर बात तोरल की करें तो कई कितनी बार तोरल एक कहते हैं ना एक पीस मेकर बनती है, या कभी अपने फैमिली में या दोस्तों में या फिर आपको पीस मेकर की ज़रूरत होती है? फैमिली में वैसे कभी किसी से वैसे लड़ाई हुई नहीं है, तो मुझे लगता है मैं थोड़ी सी मैच्योर तो हूँ इस चीज़ में कि मुझे इतना मतलब अगर भूल होती है तो मैं, अपनी गलती होती है तो मैं डेफिनेटली मान लेती हूँ, पर अगर किसी और की गलती होती है तो मुझे टाइम वक्त लगता है उससे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं माफ़ नहीं करती, पर वो जो रिलेशन होता है वो वापस उसी लेवल पर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नहीं कभी दोस्तों में ऐसा हुआ कि कभी दो आपस में ही दोस्ती आ रही में कोई लड़ाई कोई इंसिडेंट आपको याद आता है कि इन दोनों के बीच दोस्ती तो मैं पीस मेकर बनी थी? नहीं वैसा तो कुछ अब तक याद नहीं आ रहा, ये शायद हुआ होगा तो भी स्कूल डेज में हुआ होगा जो मुझे अब इतना याद नहीं है। अच्छा शो की बात करें तो क्या लगता है लोगों ने कितना एक्सेप्ट कर लिया है इस नई आनंदी को, कुछ एक्सपीरियंस आप अपने फैंस के साथ बता सकते हैं? जी हाँ, कि जैसे हम कश्मीर गए थे शूट करने के लिए तो वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे, तो काफ़ी लोग आके सामने से मिल रहे थे और बता रहे थे कि हमें आपका काम बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन था सबकी तरफ से, क्योंकि मैं पहली बार शूट में आने के बाद पहली बार सेट के बाहर गई थी कहीं शूट करने, तो जो फीडबैक मुझे मिला लोगों से वो अच्छा था, पॉजिटिव था, तो यही एक अच्छी साइन है कि लोगों धीरे धीरे मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं एज आनंदी, सो विच इज़ रियली गुड एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आखिर सवाल, आज भी हमने देखी कुछ लोग आए थे मिलने के लिए फैंस के लिए, तो ऐसे कितनी बार एक्सपीरियंस होता है आपका? ऑलमोस्ट एवरी डे लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेट्स हैं, तो जो बाहर से आता है बॉम्बे के बाहर से आता है उन्हें मज़ा आता है शूट देखने में, एक्टर्स से मिलने में, तो हर रोज़ आई मीन हर रोज़ हम किसी ना किसी को मिलते ही हैं, वो आते हैं हमारे रूम में कि हम एक फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं आपके साथ, ऑटोग्राफ चाहिए, सो इट्स अ गुड फीलिंग यू नो कि वो आपको इतना पसंद करते हैं, आपके किरदार को इतना पसंद करते हैं। शो को लेकर भी आखिरी सवाल, जैसे हम देख रहे हैं सांची तो आपको शुरुआत से एक्सेप्ट नहीं कर रही है और आप तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उसे मनाने के लिए, एक कुछ तरीका जो आपके दिमाग में स्क्रिप्ट राइटर को आप बोलना चाहिए कि आप ये चीज़ डाल दो तो शायद सांची और हमारे में हो जाए चीज़ें? ये बहुत गलत सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आई हैव एनी राइट टू से। नहीं लेकिन ऐसे आनंद आप कुछ सजेशन देना चाहोगे कि यार ये तो मान ही नहीं रही है तो मैं ये कर लूँ तो शायद मान जाए चीज़ें? Yeah, I really don't know what to say. don't ask this question. साची को मनाना बहुत मुश्किल है। हाँ साची थोड़ी ज़िद्दी है, मुझे लगता है कि बहुत प्यार से पली बड़ी है वो, तो बहुत स्टबन लड़की है, तो अगर वो एक बार जो ठान लेती है तो ठान लेती है कि मैं नहीं बात करूँगी तो मैं नहीं बात करूँगी इससे, पर मुझे लगता है कि जैसे वक्त जाएगा और आनंदी जिस तरीके से मतलब प्यार से समझाएगी उसे तो वो मान जाएगी। गुस्सा आपके चेहरे पर दिखाई दिए जब वो माही था, उसी ने गुस्सा चला
से भी कमा कर उसमें कुछ भी बोलती तो गुस्सा तो आएगा नहीं। सॉरी लेकिन साची को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई हक नहीं है उसे। नहीं भाई अभी हो गया भाभी अरे नॉट कर ले रोलिंग ओके नेक्स्ट चलो साथ मीनू।